अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र है तो डेफिनेटली आपको विंडोज़ अपडेट के बारे में पता होगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि विंडोज़ अपडेट उनके सिस्टम को हमेशा इम्प्रूव करता है, उनके सिस्टम की परफॉर्मेंस हमेशा इम्प्रूव करता है, उनके कंप्यूटर सिस्टम में नए फीचर्स को ऐड करता है। माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट अपडेट उनको मिल जाती हैं जब वो अपनी विंडोज़ को अपडेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप गलत हैं। मैं मानता हूं कि ये जो भी अपडेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाली, जो भी नए फीचर्स हैं, वो आपकी विंडोज़ में ज़रूर ऐड होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपके कंप्यूटर के सिस्टम की परफॉर्मेंस हमेशा इम्प्रूव नहीं होती है, हमेशा आपका कंप्यूटर सिस्टम अपडेट करने के बाद अच्छा नहीं चलता है। तो विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड क्या क्या मिथ हैं और विंडोज़ अपडेट आपको करना चाहिए या विंडोज़ अपडेट नहीं करना चाहिए, विंडोज़ अपडेट आपके लिए यूज़फुल है या फिर विंडोज़ अपडेट आपके लिए यूज़फुल नहीं है, यही सब मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपको ये वीडियो कम्प्लीटली देखना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसे देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में जो विंडोज़ अपडेट होती है, जो विंडोज़ में फीचर मिलता है आपको विंडोज़ अपडेट का, वो आपका दोस्त है या दुश्मन। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, एंड्रॉइड से रिलेटेड मैं आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैं पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन से वीडियो आपके लिए यूज़फुल हैं या यूज़फुल नहीं है। डेफिनेटली आपके लिए कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और दोस्तों, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही चैनल पर वीडियोज़ अपडेट होंगे तो फौरन आपको अपडेट मिल जाएगा और आप हमारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। दोस्तों, विंडोज़ को अपडेट करना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि विंडोज़ अपडेट करने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, रेस्पॉन्सिव नहीं रहता है और बहुत सारी हैंग होने की प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलती है। और ज़्यादातर केसेज में बहुत सारे यूज़र नहीं जानते हैं कि उनको अपनी अपडेट्स को रोल बैक कैसे करना है, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम को पुरानी स्टेट में वापस कैसे लाना है, और ये एक लेंथी प्रोसेस होती है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आपको बचना चाहिए आपके कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज़ को अपडेट करने से। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में i5 से कम प्रोसेसर लगा हुआ है तो डेफिनेटली आपको अपनी विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है। आपको अपनी विंडोज़ को बिल्कुल भी अपडेट नहीं करना है, विंडोज़ अपडेट की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप बस ये कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो बिल्कुल लेटेस्ट विंडोज़ को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरे विंडोज़ 10 के वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। दोस्तों, विंडोज़ को अपडेट करने से बेटर है कि आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर लें लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने विंडोज़ को अपडेट करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 3 से 4-5 साल पुराना है तो आप अपने विंडोज़ को बिल्कुल भी अपडेट मत कीजिए, या फिर अगर आपने मार्केट से किसी शॉपकीपर से अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करवाया है तो डेफिनेटली आपकी विंडोज़ पायरेटेड होगी। ऐसे केस में आपको अपनी विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है। अगर आप अपनी विंडोज़ को अपडेट करोगे तो उसका जो की होती है, उसकी जो लाइसेंस होता है, वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाएगा कि आप एक पायरेटेड विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके विंडोज़ में नीचे साइड कोने में योर विंडोज़ इज़ नॉट जेन्युइन ऐसे करके एक मैसेज आने लगेगा और आपको पता चल जाएगा आपके सिस्टम की जा चुकी है। और ऐसे केस में आप अगर दोबारा से की को इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, वो जो KM एक्टिवेटर करके एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसका आप दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा ऐसे केसेस में। दोस्तों, मैं कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर की पायरेसी को सपोर्ट प्रमोट नहीं करता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो विंडोज़ है उसकी की रिमूव ना हो, तो पायरेटेड विंडोज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बिल्कुल नई कीज़ परचेज़ कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज़ लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छी चलेगी, आपके कंप्यूटर की सिस्टम की जो विंडोज़ है फ्रिक्वेंटली करप्ट नहीं होगी और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, और माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आती है डेटा रिलेटेड या फिर और कोई प्रॉब्लम आती है, तो माइक्रोसॉफ्ट से आप उसके कस्टमर सपोर्ट पर कॉल करके हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों, अगर आप i5 या उससे अच्छे प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हो, या फिर Ryzen 5 या फिर उससे अच्छे प्रोसेसर का आप यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो। ऐसे में आप अपडेट रह पाओगे विंडोज़ के लेटेस्ट फीचर से, नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, नई नई सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और भी कई सारी अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता रहता है।
लेकिन इसके लिए आपकी विंडोज़ जेन्युइन होनी चाहिए। अगर एक आपकी जेन्युइन विंडो है तभी आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो। दोस्तों विंडोज़ की अपडेट को करने ना करने के पीछे फंडा ये है, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर जो है पुराना है और आप अगर लेटेस्ट विंडो को अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट करते हो तो ऐसे में आपका हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को टैकल कर पाए, यूज़ कर पाए, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए वो नया सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज़ को अपडेट मत करिए। उससे ये होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर है उस पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा और जो भी प्रोसेसिंग आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हो आपका कंप्यूटर ईजिली परफॉर्म करेगा उस सारी प्रोसेसिंग को। दोस्तों अगर आप जेन्युइन की को परचेज नहीं कर सकते और आपको की थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है तो डेफिनेटली आप विंडोज़ का अनलाइसेंस वर्जन को ही यूज़ करें और वो वर्जन भी आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बस थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं लेकिन वो फीचर्स इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो ऐसे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप विंडोज़ को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी विंडोज़ की वीडियो को देखिए, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी विंडोज़ की अपडेट को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो आप आसानी से विंडोज़ अपडेट को स्टार्ट स्टॉप कर पाओगे। विंडोज़ 10 को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको चेक फॉर अपडेट्स बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फीचर अपडेट टू विंडोज़ 10 वर्जन 1903, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी विंडोज़ के लिए जो भी लेटेस्ट वर्जन इस समय लॉन्च किया हुआ है वो आपको यहां पर दिखाई देगा और नीचे आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करके इस वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप अपने विंडोज़ 10 की अपडेट्स को स्टॉप करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केस में जब आप अपने कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपकी जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, तो ऐसे में आपका सारा डेटा कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप किसी मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो या फिर अगर किसी ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी विंडोज़ जो है कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगी, पूरी विंडोज़ की जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेगी और उसके बाद उसको इंस्टॉल करेगी, तो ऐसे केस में आपका कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसके लिए आपको वाईफाई सिंबल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम जिस नेटवर्क से भी कनेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नीचे साइड आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीटर्ड कनेक्शन का, सेट एज मीटर्ड कनेक्शन, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। इसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको रिसीव करना बंद कर देगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम की वगैरह भी लॉस नहीं होगी और माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई भी वार्निंग नहीं देगा। और अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज़ जेन्युइन नहीं है, 100, 200, 300 रुपए दे करके आपने किसी से अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करवाया, तो डेफिनेटली आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, ये आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। दोस्तों विंडोज़ 7 में विंडोज़ अपडेट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल के बाद आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको विंडोज़ अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर अपडेट्स और यहाँ पर आपको अपनी विंडोज़ की अपडेट्स को चेक करना है। उसके बाद जब विंडोज़ चेक कर लेगी कि कौन सी अपडेट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं और आप सारी अपडेट्स को इंस्टॉल अपडेट्स बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको अपनी विंडोज़ 7 की अपडेट्स को स्टॉप करना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक करना है टर्न ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन और ऑफ। फिर दोस्तों उसके बाद एक मेन्यू खुलेगा आपके सामने, उसमें आपको सेलेक्ट करना है नेवर चेक फॉर अपडेट्स और दोस्तों उसके बाद आपको डिसलेक्ट करना है गिव मी रिकमेंडेड अपडेट्स द सेम वे आई रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इस ऑप्शन को। और दोस्तों आपको एक और ऑप्शन को डिसलेक्ट करना है, अलाउ ऑल यूजर्स टू इंस्टॉल अपडेट्स ऑन दिस कंप्यूटर एंड क्लिक ओके। उम्मीद करता हूँ होल मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको विंडोज़ अपडेट के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारी जगह मैं एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेंजर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको ये सारे लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इन सारे लिंक्स को चेक कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम में, एंड्रॉयड में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, सिंपली आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जल्दी ही आपको रिप्लाई मिलेगा।